तो आखिरी सेक्शन है हमारे सेक्शन में जाकर हम मेजर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं वो है बच्चा सेक्शन 75 और सेक्शन 75 में वो प्रिंसिपल स्टेबल नहीं कर रहा बट रादर एक रूल लगा रहा है जो इंपॉर्टेंट है तो आपको अगर ये सेक्शन नहीं होगा तो वो स्पेक्ट आपको स्लिप हो जाता है तो सेक्शन 75 की बात है बहुत सिंपल सी बात है बस उसको समझना जरूरी है सही कॉन्टेक्स्ट अब ये जो हमारे सेक्शन 75 है ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो पार्टी है याद सुनिएगा जो राइटफुली मतलब अधिकार रहते हुए रिसेट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को रिसेट कर रही है मतलब हटा रही है तो ये जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट को रिसेट कर रही है ये एंटाइटल्ड होगी इसके लिए कंपनसेशन के लिए समझना बच्चे राइट कॉन्टेक्स्ट समझना अब एक ऐसी पार्टी की बात कर रहे हैं जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को हटा रही है उसी को कंपनसेशन मिल रहा है जो हटा रही है कॉन्ट्रैक्ट को कैसे एक ऐसा व्यक्ति जो राइटफुली रिसेट कर रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट को वो एंटाइटल्ड होगा कंपनसेशन के लिए किसी भी ऐसे डैमेज के लिए जो उसने सस्टेन किया होगा क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा नहीं हो पाया अब समझो यहां पे जो सिनेरियो सेक्शन 75 के अंदर क्रिएट हो रहा है देख सकते हैं यहां पे देखो जो सेक्शन 75 का सिनेरियो है वो बड़ा सिंपल सिनेरियो है यहां पर क्या बात हो रही है यहां पर दो लोग हैं दो पार्टीज हैं और उनके बीच में क्या है एक रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप ठीक है पहली बात अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाई कर रखी है अब क्या आगे की बात वो टर्म्स और कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसमें अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कुछ कर रहा है तो जो दूसरी पार्टी है उसके पास राइट आ जा रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसीट करने का मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को हटाने का तो ये जो पार्टी है अगर अपने उस राइट को एक्सरसाइज करके कॉन्ट्रैक्ट को रिसीट कर देंगे तो हम मानेंगे कि वो जो पार्टी है उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए अब इसको देखो समझने की कोशिश करो ये सब क्यों हो रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है दोनों बातों को समझना जरूरी है उस कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझना जरूरी है और यहां पर पता कहां से चलेगा यहां पर पता चलेगा कि जिसको हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं अगर आपके दिमाग में जोर डालो थोड़ा सा तो आपको रियलाइज होगा कि मैं कोई नई बात नहीं कर रहा मैं कैसी बात कर रहा हूं जिसको हम पहले पढ़ चुके देखो ये ये पार्टी है और ये पार्टी है और ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है अब आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं सेक्शन 73 में पढ़ा कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है वो दूसरी पार्टी को मैसेज कर रहा है एक बड़ा सेक्शन 74 में भी यही बड़ा बस दूसरी पार्टी से भी कॉन्ट्रैक्ट आता है पहले नहीं आपको रिस्पेक्ट कर रहा था ये दोनों सेक्शन इनका फोकस किस बात का कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच है तो ठीक बात बस समझिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसका ब्रीच हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होने के बाद स्टेटस क्या होता है अरे हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया मैं आपको बताता हूं मानो 1 जनवरी 2022 को मैंने कॉन्ट्रैक्ट आया इस व्यक्ति के साथ 10 फरवरी 2022 को किसने ब्रीच कर दिया मेरा कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसका मतलब नहीं है जो बात किया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ठीक है ब्रीच हो गया 73 में लागू 74 लागू ठीक है जाएगा बस बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज होने इस बात पे बात करनी है ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना तारीख को उसका क्या स्टेटस है उसके ब्रीच होने के बाद क्या वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया या वो कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है मतलब आप भाषा में समझे तो ये है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या ब्रीच होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है खत्म हो जाता है या फिर वो चलता रहता है यही बात आपको समझाता है क्या हमारा सेक्शन 75 ये बोलता है कि जरूरी नहीं है और जितनी परिस्थिति आपने इंडिया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पड़ी है जहां पर लिबर्टी होती है पार्टी के पास इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेट करने की उन सारी
की लॉजिक वही है जो यहां पर लॉजिक है, बस एक लेवल पीछे ज्यादा बढ़ गया क्योंकि हमारा एम्फेसिस उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच होने पर नहीं है, डायरेक्टली उसी पे हमारा फोकस प्रिसिशन पे, जिसकी वजह आमतौर पर दूसरी पार्टी के बारे में बात करते हैं दूसरी पार्टी के बीच। अब जब आप समझ पा रहे हैं मैं बात यहां पे बोल रहा हूं, आप बात जारी रखिए। यस सर, ये बात समझ आ रही है जो मैंने यहां पे बोला है। यस सर, आगे चलकर कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 73, सेक्शन 74 और सेक्शन 75 जिसमें हमने समझा कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट का बीच होगा या कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो क्या-क्या हमारे पास रेमेडीज हैं, किस तरीके से पार्टी को कंपनसेट कर सकते हैं। भाई बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत सब्जेक्टिव है, इसमें डिस्कशन एक पॉइंट है जिसमें मैं चाहूंगा कि आप अपनी अच्छे से सेट करके बताएं कि क्या कुछ आएगा, और वो है बात उस लॉस की, उस डैमेज की जिसको सेक्शन 73 के अंदर जो कि एक ऐसा लॉस है, एक ऐसा डैमेज है जो नेचुरली अराइज हो रहा है। मैंने सेक्शन 73 के अंदर आपको दो कैटेगरी ऑफ लॉस ऑफ डैमेज बताए, एक लॉस ऑफ डैमेज ऐसा डैमेज जिसको पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है, जिसको पार्टी को नॉलेज है कि ऐसा लॉस ऑफ डैमेज हो सकता है, और दूसरी कैटेगरी जो कंपनसेशन है वो केवल उस लॉस ऑफ डैमेज के लिए मिलेगा जो रीजनेबली निकल के आ रहा हो उस बीच में, जो नेचुरली अराइज हो रहा हो उस बीच में। और आखिरी तीसरा पॉइंट, कभी भी कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा उस लॉस ऑफ डैमेज के लिए जो रिमोट एंड इनडायरेक्ट है। ये जो बातें हैं कि लॉस ऑफ डैमेज के लिए कंपनसेशन पाना है तो वो नेचुरली अराइज होना चाहिए और वो रिमोट एंड इनडायरेक्ट नहीं होना। इसी बात को समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक केस लेके आया हूं, और उस केस को सबसे अच्छा, सबसे पहला और सबसे अच्छा, सबसे लीडिंग एग्जांपल है इस बात को समझने के लिए कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कोई भी लॉस और डैमेज डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, नेचुरली अराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि गिनती है डिटरमाइन कोई करना है, और कितनी भी कोशिश कर लो आप ऑब्जेक्टिव रहने की, पर आप गिनती है बच्चे वो कौन सब्जेक्टिव वाला है, क्योंकि बोर्ड किस डैमेज को कितना क्लोज मानेगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बीच से वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग तरीके के सर्कमस्टेंसेस जिसमें पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते रहे, तो हमको सब चीजें देखनी पड़ेगी। ये कहना बहुत आसान होता है कि आपको लॉस और डैमेज के लिए अगर नेचुरली अराइज हो रहा है, बट नेचुरली अराइज होने का मतलब क्या, अगर किसी भी वजह से नुकसान हो रहा है तो कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये क्या बात हुई नेचुरली अराइज हो रहा है, और अगर मुझे कंपनसेशन पाना है तो मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा, जैसे मैं बात को साबित कर रहा हूं ये तो लॉस ऑफ डैमेज नेचुरली अराइज हो रहा है, रिमोट डायरेक्ट नहीं है, क्या करना पड़ेगा, क्या मतलब क्या माना जाता है कि कोई भी लॉस ऑफ डैमेज नेचुरली अराइज नहीं हो रहा, या फिर रिमोट है या फिर डायरेक्ट। ये एक चीज बहुत अच्छा एग्जांपल है इस सिचुएशन को समझने के, इसके नाम है बच्चे हेडले वर्सेस मैक्सिटिव, क्या हेडले वर्सेस मैक्सिटिव। ये 54 का केस है, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन है इसी कांसेप्ट का जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने बताया ये एक ऐसी चीज है जो कितनी भी कोशिश करो सब्जेक्ट नहीं रहने वाली, तो बाहर के इसके फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इस बात को जानने के लिए कि किसी लॉस ऑफ डैमेज पर रिमोट माना या नहीं, क्योंकि फैक्ट्स पे खासा ध्यान देना। आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं फैक्ट्स, आपको जानने की कोशिश करना आपको क्या लगता है उसके बारे में। यहां पे प्लेटें हैं हमारे, वो एक मिल जाते हैं जो उनको बंद करनी पड़ी क्योंकि उनकी मशीन थी उसमें एक शाफ्ट होती है, इक्विपमेंट होता है वो टूट गया, मतलब जिस मशीन से वो मिल जाती थी उनकी उस मशीन में खराबी आ गई, इक्विपमेंट होता है वो सब टूट गया, वो भागे भागे गए एक कंपनी के पास, कंपनी का नाम था जॉयस कंपनी, और उन्होंने जॉयस को वो अपनी जो इक्विपमेंट अपनी मशीन है उनको दे दी, और जॉयस कंपनी जो है उन्होंने एग्री किया कि उनकी जो शाफ्ट टूट गई मशीन की उसकी वो नई शाफ्ट बना देंगे और उसमें लगा देंगे। तो इस कंपनी ने वादा किया कि मैं आपकी मशीन की जो शाफ्ट टूट गई है उसको बना दूं, ठीक है, वादा हुआ कि एक दिन दो दिन में ऐसा हो जाएगा। फिर जब समय आया मशीन को वापस लेके आने का, तो ब्लेटिव ने अपना नौकर भेजा डिपेंडेंट के पास और बोला कि भाई मशीन दे दो, ब्लेटिव का समय था उसने अच्छा नहीं अगली कभी वाली स्पेशल है क्या हुआ, मालिक आए लेटिव भाई जॉइस कंपनी के पास, जॉइस कंपनी ने एग्री किया कि मशीन को रिपेयर करते हैं, हमने शाफ्ट बना दिया, तो लेटिव से बोला ठीक है मैं आपको मशीन भिजवा देगा। फिर क्या किया लेटिव मशीन भिजवा देगा जॉइस कंपनी के पास, और ये जो सबमिट है जो लेटिव का नंबर है जो सब उस मशीन को लेकर आ रहा है जॉइस कंपनी के पास, वो उस कंपनी के क्लर्क को एक व्यक्ति काम करता है उस कंपनी में उसको बताता है भाई देखो ये मशीन ऐसी शाफ्ट टूट गई, इसकी शाफ्ट टूट गई इसलिए हमारी जो बिल है वो बंद पड़ी, इसलिए आप जल्दी से जल्दी शाफ्ट को ठीक कर देना भैया, इससे हमारी बिल खुल सके हमारा नुकसान खत्म हो सके। तो ये जो सारी बातें हैं हमारे जो लेटिव का नंबर है वो वहाँ के क्लर्क को बताता है जल्दी से करना, ठीक है, तो वो जो है क्लर्क है उस कंपनी का जॉइस कंपनी का, वो बोलता है कि वो शाफ्ट है वो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा अगले दिन, जितना मेरे को शाफ्ट होंगे अगले दिन आपको शाफ्ट डिलीवर कर दूंगा, ठीक है, वादा होगा। फिर क्या हुआ, ये जॉइस कंपनी है उसने नेगलिजेंस दिखाई और उसकी नेगलिजेंस मतलब शाफ्ट लगा नहीं देरी कर रहे, जिसकी वजह से जो ब्लेटिव है उसको नहीं शाफ्ट नहीं मिल पाई, कई दिन होता और बिल जो है वो बंद, हमारे डिपेंडेंट ने अपना वादा तोड़ा, नेगलिजेंस दिखाई और शाफ्ट लगा नहीं, इस वजह से बंद पड़ी। अब सवाल ये है हमारे साथ कि डिपेंडेंट क्या वो लायबल है डैमेज पे करने के लिए ब्लेटिव को, जो ब्लेटिव का नुकसान हुआ है क्योंकि उनकी बिल बंद पड़ी उनके ग्राहक सारे लौट रहे कुछ मुनाफा कमा सकते थे उन्होंने मुनाफा नहीं कमाया, तो बच्चे यहाँ पे कुछ बातों की क्लैरिटी आपको पहले से ही ले ली, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि डिपेंडेंट है कंपनी है उसने कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, तो अगर हम बात करें हमारे सेक्शन 73 के एनालिसिस सेक्शन 73 में हमारे एनालिसिस इफेक्ट को, तो सबसे पहली बात है कंपनसेशन पाने की जो कि ब्रीच वो सेटिस्फाई हो चुकी है, डिपेंडेंट बोला था इतने देंगे कई दिन हो गए नहीं दिया है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, ये बात भी निश्चित है कि ब्रीच किया है तो कंपनसेशन तो देना पड़ेगा, कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। सवाल ये है कि कंपनसेशन देना पड़ेगा जिस लॉस और डैमेज के लिए देना पड़ेगा, क्या इस लॉस और डैमेज में हम जो मिल बंद होने की वजह से जो ब्लेंडर्स मुनाफा नहीं कमा पाए जो प्रॉफिट नहीं कमा पाए बिल्कुल उनकी बिल्कुल उसमें 10 बनाते और 10 बनाते तो 10 से वो एक दिन का हज़ार रुपये कमा दें, तो शाफ्ट ना मिलने की वजह से उनकी मिलना ही पड़ पाई 10 जिसकी वजह से कस्टमर से हज़ार रुपये कमाते उन्होंने कमा, तो ये तो हज़ार रुपये पड़ेगा उनका नुकसान पाएगा 10 हज़ार नुकसान क्या ये भी लॉस और डैमेज डेफिनेशन के लिए जिसको जॉइस कंपनी को भी करना है क्योंकि वजह से नहीं पड़ता इसी वजह से जो मुनाफा हो सकता था हमारे ब्लेंडर्स को उस मुनाफे को नहीं कमा पाए। अब ये आपके सामने है सिचुएशन, इसके साथ सीजन क्या है उसको अपनी तरफ अब आप अपनी समझदारी से कोशिश करो सिचुएशन को एनालाइज करने की कि आपको क्या लगता है कि ये लॉस ऑफ प्रॉफिट है ब्लेंडर्स का, क्या ये लॉस ऑफ प्रॉफिट ऐसा लॉस ऑफ प्रॉफिट है जिसको हम नेचुरली अराइज होता हुआ मान सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस या फिर ये लॉस ऑफ डैमेज प्रॉफिट का ये रिमोट डायरेक्ट क्या लगता है बच्चा क्या सोचना है भाई भाई नेचुरल नेचुरल लगता है और क्या वजह है बच्चा नेचुरल लगता है क्या लगता है नेचुरल जब वो उनका नौकर दिया था उनके पास उसका भी लगता था कि हमारी दुकान की थी तो उसने एक दुकान के लिए बाकी हो गया बाकी हो गया और अगर बच्चे मैं आपसे कहूँ ऐसा काम का होता तो आप मेरे पास ऐसा नहीं बोलोगे सब देखो सर तब मेरा डाउट है तब मेरा डाउट है क्यों है आप लोग डाउट क्यों होगा क्योंकि उसका बिल्डर बिजनेस है उसको पता है कि वो ज़्यादा उसको पता है उसमें हो गया अभी हम नाम तो कोई बोला था कि हमारा बिल्कुल पता नहीं पता
ये जो लॉस है जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेशन नहीं मिला है लेकिन कुछ लॉस हो रहा है वो हर्ट की मोटे है इनडायरेक्ट लॉस है क्यों हमें चिंता लग रहा है क्योंकि वही जो कंपनी उसको बता गया था कि हम आपको बना के देंगे उसके वजह से वो कुछ कमाई कर पाई और कुछ लॉस हो रहा है कुछ हमें फायदा नहीं है वो इनडायरेक्ट कनेक्टेड है on Monday, so enjoy the rest of the